सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एसएसटी वाले गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th सिविक्स के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 डाल चुके हैं, तो अभी तक अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देख करके आइए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस लेक्चर में हम क्या बातें कर रहे हैं। और हमने पावर शेयरिंग को समझाने के लिए बारात का एग्जांपल लेकर के भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखें कि कैसे हमने लर्निंग को ईजी बनाने का प्रयास किया है और कैसे आपकी रियल लाइफ से उसको जोड़ा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। इस चैनल पर क्लास 10th एसएसटी की बिल्कुल अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और 6th, 7th, 8th, 9th इन क्लासेस की भी अलग अलग प्लेलिस्ट है। मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, विकास सर डील करते हैं मैथ्स को, तो आप क्या करेंगे, आप वीडियोस को देख करके अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, अपने अंदर आपको चेंज महसूस होगा। तो आइए आपके आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब आप कहोगे सर मेजोरिटेरियनिज्म बोलने में ही इतनी समस्या आ रही है तो टॉपिक बहुत ज्यादा कठिन होगा। टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है, मैं भी आपको बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में इसको समझाऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए शुरू से समझते हैं, शुरू कहां से करेंगे, श्रीलंका की आजादी से। श्रीलंका कब आजाद हुआ, यहां पर हमने लिखा हुआ है 1948 में। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। याद कैसे करेंगे भाई, हम हुए 1947 में आजाद, ये हुए 1948 में आजाद, एक साल जोड़ देना है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब जिसको ये नहीं याद है कि भारत कब आजाद हुआ था, फिर तो उसके लिए बहुत सोचने वाली बात है भाई। याद रखिए, थोड़ा तो बेसिक चीजें आपको अपने देश के बारे में पता होनी। जिन लोगों को डेट्स याद करने में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए एक चैनल पर सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने बताया हुआ है कि हिस्ट्री में डेट्स को कैसे याद करें। हिस्ट्री को याद करें ये दिक्कत नहीं है, हर सब्जेक्ट में वो चीजें अप्लाई होती हैं, एसएसटी में तो खास तौर से, क्योंकि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये बात कि सिन्हाला लोग वहां पर किसमें थे, मेजोरिटी में थे, और माइनॉरिटी में तमिल लोग थे। अब भाई किसी भी देश में जो लोग मेजोरिटी में रहेंगे, सीधी सी बात है जब सरकार बनेगी तो वो लोग ज्यादा संख्या में होंगे, और कोई भी देश आजाद होता है तो सरकार तो वहां बनती है। तो जब श्रीलंका में गवर्नमेंट बनी तो उस गवर्नमेंट में ज्यादा मिनिस्टर्स कौन थे, सिन्हाला बोलने वाले। अब आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत की बात है, भाई ज्यादा है तो ज्यादा ही रहेंगे, सही बात है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो मिनिस्टर्स बने इन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए जो कि सिन्हाला की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करते थे, और सिन्हाला बोलने वाले लोगों को कंट्री में क्या करने लग गए, फेवर करने लगे। यहीं से समस्या उत्पन्न होती है, और ये जो समस्या उत्पन्न होती है इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। अब यहां पर बात आ जाती है कि सर मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं, लिखा भी हुआ है यहां पर ये क्या है, हम आपको समझाते हैं। देखिए मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीव होता है, एक ऐसा विश्वास होता है जिसमें कंट्री में रहने वाली मेजोरिटी कम्युनिटी को यह लगने लग जाता है कि हम जैसे चाहे वैसे सरकार को चला सकते हैं, या फिर हम जैसे चाहे वैसे देश को चला सकते हैं, और उनको ये लगने लग जाता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी को देश में ज्यादा हैप्पी होना चाहिए, ज्यादा खुश होना चाहिए, और वो किसके विशेष को डिसरिगार्ड करने लग जाते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को। उनको माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं किनके लिए, जो देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी में होते हैं। तो ये हो गया आपका मेजॉरिटेरियनिज्म, एक ऐसा बिलीव जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर करने लग जाती है और माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ होती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी ये हम आपको आगे के स्टेप्स में बताएंगे। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द मेजर्स, या फिर हाउ श्रीलंकन गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला पीपल इन द कंट्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की नजर से भी और आपके पीरियोडिक एग्जाम की नजर से भी।
सीधे एग्जाम में पूछता है और सीधे वहां पर 3 नंबर या फिर 2 नंबर में रहता है और 3 स्टेप आपके किताब में दिए हुए हैं, तीनों को आपको वहां पर लिखना होता है। हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसे 2 गोले और 1 बक्सा बनाया हुआ है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। 3 स्टेप है, तीनों को एकदम डिटेल में बताएंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, 1956 में एक एक्ट पास किया इन्होंने, जिससे इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। भाई गलत किया ना, देश में 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं, कुछ लोग सिन्हाला बोलते हैं कुछ लोग तमिल बोलते हैं। अभी आप एक भाषा को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दोगे तो दूसरी भाषा बोलने वालों का क्या होगा देश में। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया 1956 में और उसके बाद इन्होंने सिन्हाला को अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल बोलने वाले बेचारे मन मसोस के रह गए, कहे चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम माइनॉरिटी में हैं, नहीं मान रहे हैं हमारी बात, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप है, गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। पहले तो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, उसके बाद क्या बोल दिया कि अभी भैया सरकारी नौकरी में यूनिवर्सिटी एडमिशन में हम उनको प्रेफरेंस देंगे जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं। अब तमिल वाले बेचारे एडमिशन लेने गए तो उनसे बोला गया कि भैया सिन्हाला भाषा बोल लेते हो, बोले नहीं, उनका फॉर्म फाड़ के फेंक दिया या फिर उनसे कह दिया कि कोर्स नहीं होता है यूनिवर्सिटी में, जाइए आपका एडमिशन नहीं होगा। अब बेचारे वो लोग कहां जाए, भाई गवर्नमेंट जॉब में आप फेवर करोगे सिन्हाला बोलने वालों को, यूनिवर्सिटी के एडमिशन में सिन्हाला वाले रहेंगे, तो जब सिन्हाला वाले ही पढ़ेंगे सिन्हाला वाले ही नौकरी पाएंगे तो तमिल वाले क्या करेंगे देश में, वो कहां जाएंगे भैया। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम तो भैया सिन्हाला बोलने वालों का फेवर करेंगे, यहां तक की बात भी ठीक है। तीसरा स्टेप इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट कर दिए, कुछ चेंजेस ले आए, जिससे इन्होंने क्या बोला कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। यहां पर स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, यहां पर स्टेट का मतलब देश से है। इन्होंने बोल दिया कि श्रीलंका में हम प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेंगे बुद्धिज्म को, यानी कि रक्षा भी करेंगे बुद्धिज्म की और फॉस्टर माने क्या होता है, बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहन देना, हम बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे और प्रोत्साहन देंगे। अच्छा हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि सिन्हाला बोलने वाले लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, भैया बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग। अब सिन्हाला बोलने वाले लोगों के लिए देखो तीसरा स्टेप भी बढ़िया सा ले लिया, अभी बोलते हैं कि हम बुद्धिज्म को ही प्रमोट करेंगे फॉलो करेंगे, और हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन कहां जाएंगे, वो जो देश में रहते हैं तमिल बोलने वाले बेचारे, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा, वो कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं। तो ये जो इन्होंने 3 स्टेप लिए, इससे क्या हो गया, तमिल बोलने वाले लोगों को कंट्री में एलियनेटेड लगने लग गया। एलियनेटेड माने जादू नहीं है कोई मिल गया वाला, एलियनेटेड माने होता है हमको अलग लगने लगा, तन्हा लगने लग गया, वो लोग बेचारे अकेलापन महसूस करते थे, भाई उनके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं थी, ना उनको एडमिशन मिल रहा है ना उनको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, बेचारों का धर्म को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, अब वो लोग कहां जाते, अब वो लोग सीमा जो है बर्दाश्त करने की बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्योंकि सारे स्टेप सिन्हाला बोलने वाले लोग के लिए लिए जा रहे थे। जब ये सारी घटनाएं श्रीलंका में घट गई तो तमिल बोलने वाले लोग को एक बात समझ में आ गई कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो उनको फेवर करेगी या फिर उनकी बातों को सुनेगी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज और अपने संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे ये प्रेशर डालने का प्रयास कर रहे थे गवर्नमेंट पर कि भैया हमारी भी बात सुन लो, हमें भी कुछ दे दो देश में हम कैसे रहेंगे। जब ये गए पॉलिटिकल पार्टीज के पास रिक्वेस्ट लेकर के, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने बोल दिया हमको कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला बोलने वालों का फेवर करेंगे, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है। वहां पर बेचारे विफल हो गए। फिर जब ये वापस आए तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमको भैया सेपरेट तमिल एलम दे दो। अब आपको कहे सर एलम क्या है, एलम बेटा तमिल टर्म होता है जिसका मतलब क्या हो जाता है, स्टेट। इन्होंने बोला कि हमको यार एक सेपरेट तमिल एलम दे दो, एक हमको अलग राज्य दे दो, भैया हम वहीं रहेंगे, हम अपना वहीं पर सब व्यवस्था कर लेंगे, हमको अलग कर दो यार देश में, सिंपल सी बात है, जब हमारे लिए तुम कुछ कर नहीं रहे हो हमको अलग कर दो, अपना वहां गवर्नमेंट बनाएंगे, अपनी वहां पढ़ाई करेंगे, अपना वहां जॉब करेंगे। इन लोग की बात है जब गवर्नमेंट के पास पहुंची, गवर्नमेंट ने बोला सेपरेट तमिल एलम छोड़ो, तुमको हम एक बिस्सा जमीन नहीं देंगे अपने देश में, सीधी सी बात है कुछ नहीं मिलेगा तुमको। अभी सेपरेट तमिल एलम भी नहीं मिला। अब जब इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, इनको सेपरेट तमिल एलम नहीं मिल रहा है, तो अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बच गया, जिसका नाम क्या था, मारो सिन्हाला बोलने वालों, अभी मारो, ईटे से मारो, अद्धे से मारो, बम मारो, जो मन में आए वो मारो, लेकिन अब होगी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई।
किसके किसके बीच में? सिन्हाला बोलने वालों के बीच में और तमिल बोलने वाले लोग के बीच में, दो ही कम्युनिटी है मेजर। और ये जो लड़ाई होगी ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी, ये हो जाएगी पूरी की पूरी सिविल वॉर। अब आप कहेंगे सर सिविल वॉर क्या हो जाती है? सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द टू कम्युनिटीज, जो कि इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि इट अपीयर्स लाइक अ वॉर, एकदम वॉर की सिचुएशन हो गई, मारा मारी हो गई दोनों कम्युनिटीज में। हजारों लोग अपने देश में रिफ्यूजी बन गए। रिफ्यूजी माने अ पर्सन हु हैज नो वेयर टू लिव, नो वेयर टू गो, ना उनके पास अपना घर है, बेचारों का घर तबाह हो गया, कहीं जा नहीं सकते हैं। उनका जैसे अपने यहाँ बंटवारा में रिफ्यूजीज हो गए थे ना लोग पाकिस्तान से जो इधर आए थे, उस टाइप की माहौल उनके देश में ही हो गया। रिफ्यूजी हो गए, उनके लाइवलीहुड का नुकसान हुआ, उनके घर का नुकसान हुआ, वो पॉलिटिकली नुकसान हुआ, सोशली नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली नुकसान हुआ। एक ऐसी कंट्री श्रीलंका जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जानी जाती थी, वो बिल्कुल परेशान हो गई, एकदम फिसड्डी हो गई, उनकी हालत इकोनॉमिक लेवल पर बिल्कुल खराब हो गई। उनको हर तरफ से मार लग रही थी, इकोनॉमिक लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी। देखो देश में शांति तो थी नहीं, परेशान अलग हो रहे थे और देश में लड़ाई अलग चल रही है, सब एक दूसरे को मारा मारी में लगे थे। कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी, जो जिसको पा रहा है उसी को मार रहा है, सारा सिस्टम एकदम तबाह हो गया। अब सीधी सी बात है, जो लोग टूरिज्म के लिए जाते थे श्रीलंका, श्रीलंका का टूरिज्म बहुत अच्छा था, अब जो लोग वहां पर घूमने जाएंगे उनको एक अच्छा एनवायरमेंट चाहिए ना। मान लो घूमने गए, वहीं पर उनके ऊपर बम मार दिया, सब लोग खत्म हो गए, ऐसा कोई घूमने जाएगा? तो इस वजह से लोग वहां पर जाना बंद कर रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। ये जो सिविल वॉर चल रही थी कंट्री में, ये 2009 में जाकर के एंड हुई, और 2009 के बाद से अभी श्रीलंका में माहौल ठीक है पहले के कंपैरिजन में। और यहीं तक की कहानी आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, तो आप यहीं तक जानिए। अभी तक हमने वीडियो में श्रीलंका की स्टोरी जानी थी, अब हम जानेंगे बेल्जियम के बारे में। जैसे कि यहां पर हेडिंग पड़ी हुई है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एकोमोडेशन माने क्या हो गया? समझदारी। किसकी समझदारी? बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम का एडजस्टमेंट। बेल्जियम ने एक अलग रास्ता अपनाया, डिफरेंट पाथ यूज किया श्रीलंका के कंपैरिजन में। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बेल्जियम ने ये चीजें मानी कि हमारी कंट्री में कल्चरल लेवल पर डायवर्सिटी है, रीजनल लेवल पर डायवर्सिटीज है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। किसमें किसमें? डच और फ्रेंच कम्युनिटीज में। देखिए सबसे पहली बात होता है क्या कि आपको मानना पड़ेगा। अगर आप मानोगे ही नहीं, डिनाई कर दोगे किसी चीज को, तो आप उसको सही करने का कभी प्रयास नहीं कर सकते। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस बात को मान लिया कि हाँ हमारे यहां प्रॉब्लम चल रही है भाई, हम मानते हैं इस बात को। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने बेल्जियम में इस प्रॉब्लम को खत्म करने का प्रयास शुरू कर दिया। कैसे प्रयास किए? इसके लिए हमने यहां पर लिखा हुआ है, बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चार बार अमेंडमेंट किए, चार बार संशोधन किए। और हर बार जब ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते थे या फिर संशोधन करते थे, तो ये एक पॉजिटिव चीज को या फिर एक अच्छे एलिमेंट को ऐड करते थे, जिससे कंट्री में पीस डेवलप हो, कम्युनिटीज शांति से रह सके और अपना डेवलपमेंट कर सके। ये सारी अच्छी अच्छी चीजें जब बेल्जियम ने कर दी, तो बेल्जियम के यहाँ क्या आ गया? शांति आ गई, लोग आराम से रहने लग गए, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देने लग गए। और यही जो बेल्जियम ने अपने यहां सुधार किए हैं, उन्हीं से बन जाता है हमारा अगला क्वेश्चन और अगला टॉपिक, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल कहो, चाहे बेल्जियम मॉडल ऑफ रीजनल एकोमोडेशन कहो, चाहे बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग कहो, चाहे बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन कहो, किसी भी रूप में ये क्वेश्चन भेस बदल बदल के आपके सामने एग्जाम में आ सकता है। आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है, और इसका एक ही आंसर है जो आपकी एनसीईआरटी में बकायदा पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इसीलिए मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं और वो आपकी बुक में ऑलरेडी पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। मैं आपको सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ जाए जब आप पढ़ने बैठो तो। एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल को समझते हैं। पहले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर्स को इक्वल कर दिया। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स की संख्या को इक्वल कर दिया। जैसे मान लो पांच पांच मिनिस्टर दोनों के कर दिए, अभी कोई बवाल का कारण ही नहीं बचा। भाई आप किस बेसिस पर बोलोगे इनइक्वालिटी हो रही है? बराबर तो कर दिए ना मिनिस्टर, अब आपके भी पांच, आपके भी पांच, तो आप झगड़ोगे ही नहीं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्लियर है? दूसरी बात इन्होंने क्या करी?
इन्होंने देश में कुछ ऐसे लॉस को चिन्हित कर लिया कि ये कुछ स्पेसिफिक लॉस हैं, इनमें अगर कोई भी चेंज करना है तो सारी कम्युनिटी को बोलना पड़ेगा मेजोरिटेटिव रूप से। कोई एक कम्युनिटी की बात सुन के हम चेंज नहीं कर देंगे कि फ्रेंच वाले बोले इसको चेंज कर दो तो चेंज कर दिया, डच वाले बोले इसको चेंज कर दो तो चेंज कर दिया। हम तभी चेंज करेंगे जब फ्रेंच, डच और जर्मन ये तीनों कम्युनिटी बोले कि इस लॉ को आपको चेंज करना है। जैसे मान लीजिए इंडिया में एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया में दो मेन भाषा बोलने वाले लोग हैं, हिंदी और अंग्रेजी। मान लो हिंदी बोलने वाले बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट को हटा दो, तो क्या हट जाएगा? नहीं हट सकता जब तक सब लोग नहीं बोलेंगे। इसलिए तो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन होता है हर लैंग्वेज का और हर जगह का। तो वैसी ही कंडीशन कुछ इन्होंने बेल्जियम में कर दी। सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अधीन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो भी अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है। स्टेट में भी इन्होंने नंबर ऑफ फ्रेंच और डच मिनिस्टर्स को बराबर कर दिया था। तो सब जगह धीरे धीरे ये लोग इक्वालिटी लाने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स क्या है? ये बेल्जियम की राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वैसे ही ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। यहां पर क्या किया गया, दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। जैसे सेंटर में दिया गया था वैसे ही ब्रुसेल्स पर भी दे दिया गया। आप देखिए कैसे इक्वलिटी कर रहे हैं। अभी इधर पर क्या था, हमने ब्रुसेल्स में बताया था कि जो लोग वहां माइनॉरिटी में थे वो यहां मेजॉरिटी में हो जाते थे। उधर बच्चा हमने बताया था कि डच वाले मेजॉरिटी में थे, लेकिन जब कैपिटल लेवल पर बात होती थी तो फ्रेंच वाले मेजॉरिटी में हो जाते थे। तो जब फ्रेंच वालों ने देखा कि सेंटर पर डच वाले त्याग कर रहे हैं, तो इन्होंने भी इधर त्याग कर दिया और कहा ठीक है भाई, जब वो इक्वल कर रहे हैं तो हम भी इधर इक्वल कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब धीरे धीरे सब जगह पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटीज का हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ न्यू गवर्नमेंट विच इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने एक नए तरह की सरकार ही बना दिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन चुनेगा? हर कम्युनिटी के लोग, मतलब हर कम्युनिटी की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट हो जाएगी। एक डच की हो जाएगी, एक फ्रेंच की हो जाएगी और एक जर्मन की हो जाएगी। तीन तीन कम्युनिटी गवर्नमेंट चल रही है और तीनों कम्युनिटी गवर्नमेंट को उस कम्युनिटी वाले लोग ही इलेक्ट करेंगे। जैसे डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करेगा? डच बोलने वाले। फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को? फ्रेंच बोलने वाले। जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट को? जर्मन बोलने वाले। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एकदम नॉर्मल सी बात है। अब कहेंगे सर कम्युनिटी गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट किस लिए बनाई गई है? ताकि ये डिसीजन ले सके कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर। भाई उस कम्युनिटी की जो समस्या है वो उसी कम्युनिटी गवर्नमेंट को लेने दीजिए। देखिए एक कम्युनिटी की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो उस कम्युनिटी के लोग ही समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि असम में कोई बवाल चल रहा है, मान लीजिए कोई वहां पर दिक्कत चल रही है। मैं रहता हूं यूपी में, ना मुझे असम की भाषा आती है, ना मुझे असम का ज्योग्राफी के बारे में पता है, ना मैं वहां के कल्चर को जानता हूं। आपने मुझे वहां पर भेज दिया, कहा सर आप चले जाइए और वहां पर बवाल ठीक कर दीजिए। अब मैं वहां पर गया, उन्होंने मुझको बताया अपनी सारी प्रॉब्लम, अब मुझे पल्ले तो पड़ नहीं रही है क्योंकि मैं तो असम ही नहीं जानता। तो जब मैं असम ही नहीं जानता तो एम आई अ राइट पर्सन टू सॉल्व दिस इशू? जवाब है नहीं, मैं सही आदमी हुई नहीं। मैं वहां पर जाकर के हो सकता है कुछ ऊटपटांग बोल दूं और बवाल और ज्यादा बढ़ जाए, या फिर मुझे ही निपटा दें वो लोग पकड़ करके पहले। तो क्या मैंने बवाल को सही किया? मैं तो वहां बवाल बढ़ा करके आ गया ना। तो सिंपल सी बात यह आ जाती है कि अगर किसी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई कल्चरल इशू है, कोई लैंग्वेज का इशू है, कोई एजुकेशन का इशू है, तो उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को उसको हैंडल करने दीजिए। वहां पर सेंटर का इंटरफियरेंस नहीं होता है, वहां स्टेट का इंटरफियरेंस नहीं होता है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट अपना देखती है और वहीं पर वो मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये बेल्जियम ने एक अच्छी व्यवस्था कर दी थी जिससे वहां पर बहुत सारी चीजें कम्युनिटी गवर्नमेंट के लेवल पर ही सॉर्ट आउट हो जाती थी। अब ये सारा बेल्जियम का मॉडल जो हमने आपको इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, हम इसको सुन के आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक ही कंट्री में तीन तीन गवर्नमेंट चल रही है, लोगों को वहां दिक्कत नहीं होती होगी? जी हाँ बिल्कुल दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, लेकिन ये सबसे बेस्ट वे है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। इसकी वजह से वहां पर सिविक स्ट्राइफ कम हुआ। सिविक स्ट्राइफ माने नागरिकों का संघर्ष कम हुआ। एक कंट्री जिसका लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीजन भी हो सकता था, हो सकता है कंट्री दो भाषाओं में बढ़ जाती, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, या फिर तीन तीन भागों में बढ़ जाती, तीनों कम्युनिटी वाले अलग अलग बेल्जियम को बांट लेते, बेचारा छोटा सा बेल्जियम है उसमें से भी तीन बेल्जियम निकल जाते, भाई होने को तो कुछ भी हो सकता था।
लेकिन जब इन्होंने इस तरह के मॉडल को एडॉप्ट किया तो वहां पर इन्होंने कंट्री के डिवीजन को बचा, रोक दिया और कंट्री बहुत ही अच्छे से पीसफुली रहने लग गई। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, जब आप इसको सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे अच्छे स्टेप्स हुए। एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी उस समय जिसका नाम था बच्चा यूरोपियन यूनियन, जैसे आपके यहाँ सार्क होती है, आसियान होता है, जैसे यूएन होता है, उस तरह के जैसे G20 होता है, G77 होता है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पूरे के पूरे वर्ल्ड में बच्चा होती हैं, जो क्या करती हैं, ये पर्सनल इश्यूज को या फिर कंट्री रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाई जाती हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को मैं अपने चैनल पर कवर करने का प्रयास करूंगा आप लोग के लिए, और मैंने G77 को आपको पढ़ाया भी हुआ है, पिछले साल का वीडियो है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सोशल साइंस की क्लास 10th की, आप वहां पर जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, इनके होते हैं एक हेडक्वार्टर। अभी यूरोपियन यूनियन को बच्चा चाहिए था अपना हेडक्वार्टर और वो पूरे के पूरे यूरोप में ढूंढ रही थी। अब आपको कहे सर यूरोप में क्यों ढूंढ रही थी, अमेरिका में बना लेती। बेटा यूरोपियन यूनियन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रीज के लिए बनाया जाता है, तो यूरोप की कंट्री में ही तो हेडक्वार्टर देखेंगे ना, अफ्रीका और अमेरिका तो चले नहीं जाएंगे, वो तो यूरोप में है नहीं। तो यूरोप में जब वो लोग अपना हेडक्वार्टर ढूंढ रहे थे तो उनको चाहिए थी एक पीसफुल जगह जहां पर वो अच्छे से काम कर सके। तो जब वो इस संघर्ष में लगे हुए थे तो उनको सजेस्ट किया लोगों ने कि भाई आप ब्रुसेल्स जाइए, ब्रुसेल्स में लोगों का जीवन देखिए कितना अच्छे से पीसफुली वहां पर कम्युनिटीज रह रही है, कोई भी संघर्ष नहीं है आपस में। जब वो ब्रुसेल्स आए और उन्होंने ब्रुसेल्स के एनवायरमेंट को देखा तो उनको ये लगा कि यार इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहां पे बना लिया, ब्रुसेल्स में बना लिया। और यहीं से आ जाता है आपका वन मार्क का बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार आता है और आपके पीरियोडिक एग्जाम में भी आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ब्रुसेल्स को बना दिया गया हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का। आपके बुक में इमेज भी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं अपने YouTube चैनल पर रोज आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन भी डालता हूं MCQ, वो इसीलिए डालता हूं ताकि आप MCQ की प्रैक्टिस में बने रहे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ क्वेश्चंस आते हैं जो कि एक अच्छा वेटेज रखते हैं। तो इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पर MCQ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज के लेक्चर में इतनी ही बातें करेंगे, आपके दो बड़े बड़े टॉपिक हमने खत्म कर दिए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर से पहले आप लेक्चर 1 को जरूर देख लीजिएगा, वो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है अभी तक। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।